साथियों, एक और अहम बात हम सबको याद रखनी है। आज हम फटाफट युग में जी रहे हैं, एक प्रकार से फटाफट का ज्वार हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। हम 2 मिनट में नूडल्स और 30 मिनट में पिज्जा चाहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रक्रियाओं को लेकर हम फटाफट संस्कृति वाली सोच नहीं रख सकते हैं। हो सकता है कि किसी खोज का असर तुरंत ना हो, पर आने वाली कई सदियों को इसका लाभ मिले। एटम की खोज से लेकर साइंस के मौजूदा स्वरूप और स्कोप तक हमारा अनुभव यही बताता है कि इसलिए मेरा आपसे आग्रह ये भी होगा कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में भी साइंटिफिक टेंपर के साथ सोचना बहुत जरूरी है। और इन सारे प्रयासों के बीच आपको अंतर्राष्ट्रीय नियमों, उसके मानदंडों का भी हमेशा ध्यान रखना होगा। आपको अपने इन्वेंशंस, अपने इनोवेशन से जुड़े अधिकार, उनके पैटेंट को लेकर अपनी जागरूकता भी बढ़ानी होगी और सक्रियता भी। इसी तरह आपकी रिसर्च ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल साइंस मैगजीन्स में बड़े प्लेटफॉर्म पर स्थान पाए, इसके लिए भी आपको निरंतर सजग रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। आपके अध्ययन और सफलता का अंतर्राष्ट्रीय जगत को पता चलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।